सुल्तानपुर पट्टी बाजपुर के तहसील परिसर में चल रही भूमि बचाओ आंदोलन को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन दिया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार से लोगों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक वापस देने की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। बता दें कि बाजपुर के तहसील परिसर में 20 गाँवों की 5,838 एकड़ भूमि का मालिकाना हक लेने के लिए 1 अगस्त से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे आप सभी को पता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब किसानों को पिछले 5 महीने से आश्वासन पे आश्वासन दी जा रहे हैं, फैसला नहीं सुना पा रहे, इंसाफ नहीं दिया जा रहे। अगर इनकी जमीनें हैं, इनके पास भूमिधरी अधिकार, इनको क्यों नहीं दिया जा रहा? ये सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। 5 महीने से जो अपना अपना घर परिवार छोड़ के गर्मियों में लगे थे, सर्दियां आ चुकी हैं। हमारे बुजुर्ग जैसे पहले गाजीपुर बॉर्डर पे सर्दियों पे ठंडे सरते रहे, अब यहाँ पर सर्दियों में आके ठंड लगवा रहे हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि इसी जिले के वो बेटे हैं और पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उनका जिला ही अगर उनसे खुश नहीं है तो उनका मुख्यमंत्री पद पर रहना अच्छी बात नहीं है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।